अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे जो मेज़रमीन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लंबाई हमने लिए है 25 इंचेस, और यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको मैंने एक बार फोल्ड करके लिए हैं, दो लेवल पे लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन मुझे 1 मीटर फैब्रिक लगा, ये 1 गज, क्योंकि यहाँ पे मीटर में ये जो फैब्रिक्स हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं, तो गज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तकरीबन 1 गज हमें लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से 25-25 करके एक कर्व लाइन देके इसको हम कट कर लेंगे। हमारी जो फ्रंट पे जो पनेल होगा, जो हमारी फ्रंट पे जो फोल्ड है, उसके लिए हमने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके लिए हुए हैं। लेकिन इसको हम लंबाई लेंगे 5 इंचेस और चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचेस, तो तकरीबन यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइप की जो हिजाब है फ्रंट पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे होता है क्या, जो फ्रंट पर पे हमारी जो आँखें हैं वो कवर हो जाता है आँखों के ऊपर तक, और ये बहुत ही यूज़फुल होती है बेसिकली समर में। तो अब हम क्या करेंगे, यही मेज़रमेंट के हम हाफ यहाँ पे बॉक्रम कट कर लिया है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो मैं हार्ड चाहती हूँ इसीलिए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे जो आयरन करके इसको लगा लेंगे, और यहाँ पे सेंटर पे रखते हुए इसको अच्छी तरह से सर्कल बना लेंगे। इस तरह से ये एक डीम जैसे होते हैं ठीक वैसे का एक शेप होना होगा। सेंटर पे हम क्या करेंगे, राइट साइड फेस टू फेस रख के हम यहाँ पे अटैच करेंगे। जो हमारा बॉक्रम वाला पार्ट है वह ऊपर रहेगा, और जो बॉक्रम नहीं है वो नीचे की तरफ होगा। सेंटर से हम लोग स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब ये हो जाए उसके बाद हमें दूसरे तरफ पे इस तरह से स्टिच करना है। करने के बाद यहाँ पे मुझे zigzag स्टिच देके जो ओवरलॉक होती है वो हम लोगों को करना है, और ऊपर से हम लोगों को एक चाप स्टिच भी दे देना है। तो वो कैसे हम देते हैं वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। इस टाइप की हिजाब जो है ये मैं 6 ईयर बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो आसानी से आप लोग इसको 1 मीटर फैब्रिक से इसको बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का पोर्शन है वो हम 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ पे नॉर्मल स्टिच कर देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे zigzag स्टिच भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं नॉर्मल स्टिच ही कर रही हूँ, क्योंकि नीचे का पैनल जो है वो हमें zigzag एक स्ट्रिप हम लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, लंबा सा एक पहले हमने लंबा सा एक स्ट्रिप बना के छोड़ रखे हैं, जो हमारी डोरी होती है ठीक वैसे ही हम लोगों को करना है। तो हमारी जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के तकरीबन हमारी जो कान है, कान से थोड़ा नीचे तक जितना आप लोगों को चाहिए आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 इंचेस लिए हैं, और इसको अच्छी तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ पे नीचे तक हम लोग स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हमारी दोनों साइडों पे हम लोग स्टिच करेंगे, और फ्रंट पे एक स्टिच लगा देंगे इस तरह से, और तकरीबन 5 इंचेस हम छोड़ देंगे। जब ये स्टिचिंग हो जाए उसके बाद जो फिटिंग का माप है वो आप लोग कम या फिर ज़्यादा करके ले सकते हो। तो जो लंबा सा स्ट्रिप हमने बनाया है उसे क्या करेंगे, तकरीबन 2 इंच 2 इंच का एक वी शेप में इस तरह से हम लोग पहले स्टिच करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, पहले वाला जो है वो नीचे की तरफ होगा, और जो दूसरा वाला है वो हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ होगा इस तरह से, और फिर से हम एक नीचे देंगे और एक ऊपर, एक बार दाएं तरफ और एक बार बाएं तरफ। इस तरह से zigzag करते हुए हम लोग नॉर्मल स्टिच करते जाएंगे, और इसको जो पैनेट्स हैं उसको हम देते जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो राउंड है उसको कंप्लीट कर लेंगे। जब ये हो जाए उसके बाद ये जो वी शेप है इसको हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हम पास आगे पीछे करते हुए 2 बार स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारी जो और बाकी जो वी शेप्स हैं उसको भी हम लोग इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, और नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोगों को एक चाप स्टिच देना है। वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ किस तरह से मुझे करना है। पहले मैं ये जो वी वाला शेप्स हैं
उसको मैं स्टिच कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो वी शेप्स हैं वो सब नीचे के तरफ इस तरह से रख के हम लोगों को पहले एक चाप स्टिच देना है, उसके बाद इसके ऊपर और एक हमें एक स्टिच देना है। इसे होगा क्या, जो हर एक जो वी शेप है वो सब नीचे की तरफ चला जाएगा, तो रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये बच्चे के लिए है, तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम थोड़े से छोटे छोटे करके 2 से 3 पायलट्स हम देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बीन्स भी लगा सकते हो, या फिर जो पार्ल होती है उसको भी आप लोग लगा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लेंगे और इसको गिट कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज रख के हम लोगों को ये पैलेट्स देना होगा इस तरह से। इसी तरह से मेरी ये हिसाब तैयार हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बाय।